आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑक्साइडों में सबसे अधिक अम्लीय होगा। पहला विकल्प दिया गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा विकल्प दिया गया सोडियम ऑक्साइड, तीसरा विकल्प दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा विकल्प दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें यह बताना है कि सबसे अधिक अम्लीय हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों, हमारा जो अ धातु का ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है। यहाँ पर एल्युमिनियम हमारा धातु है और इसका ऑक्साइड हमारा कौन सा ऑक्साइड होगा दोस्तों, क्षारीय ऑक्साइड होगा। हालांकि ये एम्फोटेर की तरह भी व्यवहार करता है दोस्तों। तो ये हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर में धातु गुण सबसे कम होगा उसका ऑक्साइड क्या हो सकता है, अम्लीय हमारा हो सकता है। जब हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड समूह से क्या है, संबंधित है, जिनके अंदर में धात्विक गुण क्या है, अधिक है। धात्विक गुण अधिक होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं दोस्तों, ये हमारे व्यवहार करते हैं क्षारीय की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं दोस्तों, हमारे क्षारीय की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे तीनों विकल्प सही विकल्प नहीं है। हालांकि ये भी क्षारीय होता है, लेकिन इसमें धात्विक गुण इनकी अपेक्षा क्या है, कम है, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लीय की तरह व्यवहार करता है। इसलिए दोस्तों, हमारा पहला विकल्प जो दिया गया वो हमारा क्या है, सही है। हालांकि ये वास्तविक रूप के अंदर में एम्फोटेरिक नेचर का होता है दोस्तों, ये दोनों प्रकार से व्यवहार कर सकता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।